नमस्कार दोस्तों, आपका वे टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर रेडमी नोट 5 के लिए फाइनली यहाँ पर कई महीनों के बाद एक अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इस अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेडमी नोट 5 यूजर्स के डिवाइसेस में कई महीनों से यहाँ पर स्टेबल अपडेट नहीं आया था, तो फाइनली यहाँ पर 10.2.1.0 का यहाँ पर स्टेबल वर्जन का अपडेट यहाँ पर रोल होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, मेरा डिवाइस ये रेडमी नोट 4 है, मगर मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर रेडमी नोट 5 यूज़र्स को अपडेट कर दिया जाए कि उनके डिवाइसेस में यहाँ पर अपडेट रोल आउट होने लगा है। और फ्रेंड्स, आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं, 415 MB का अपडेट है। और मैंने यहाँ पर फॉरम में ये भी पढ़ा है कि यहाँ पर ये जो अपडेट का साइज़ है वो यहाँ पर वेरी कर रहा है, किसी को 1200 MB या 700 MB, किसी को 415 MB तक का ऐसे अपडेट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर साइज़ यहाँ पर डिफ़र कर सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे यहाँ पर फुल चेन लॉक देखने को नहीं मिला, मगर मुझे इतना पता है कि अगर आप इसको अपडेट करते हैं तो आपके डिवाइस में जितने भी बग्स हैं वो यहाँ पर होपफुली फिक्स हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें आपको मार्च का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर रेडमी नोट 5 यूज़र्स हैं तो आप जल्दी से जाइए अपने अपडेटर ऐप में और वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको ये 10.2.1.0 का स्टेबल अपडेट देखने को मिला है नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जल्दी कीजिए शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।